अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम आदाब। जो आज बहुत खास बात बताने वाले पूना तू रावल लग्जरी चलने वाली हमारे मुख्तार भाई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है उनसे भी बात करेंगे और हमारे डिग्रस के जो माजी सरपंच उनसे भी बात करेंगे और डरावर से बात करने वाले हम वो भी वीडियो में देखना चाहिए आपने। और इसी तरीके से जो जो भाई गाड़ी में थे उनसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, क्या बोलना उनका ये भी देखना चाहिए आपने। तो इसी तरीके से अच्छा वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए। अजंता न्यूज़ को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और ये देखिए अंदर का मंजर है। और इसी तरफ जो सामने जो आपको दिखाई देंगे, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, देखो कैमरा भी इसमें कहीं है, उसी के बारे में आपको पूरी मुकम्मल मालूम देंगे। जो कि कैमरा भी आपको नज़र आ रहा है सामने, तो कैमरे में आपको दिखाई दे रहा है उसमें प्रॉब्लम हो रहा है क्या। भाव क्या नाम है तुम्हारा? बबन भाव। कौन गाड़ी चला रहा था? मोहन ठाकुर। पवन ठाकुर, तुम भी डरा रहे ना? तुम किधर थे? सात नंबर सीट पे। सात नंबर सीट पे सोए हुए थे क्या? तुम्हारी शिफ्ट कब से कब तक थी? रात को 4 बजे गाड़ी दिया इसको। 4 बजे कहाँ से गाड़ी दी है तुमने? पुलमरी से। क्या अच्छा तुम्हारे साथ भी था क्या? जो लग्जरी में बच्चा भी था, देखिए सामने आपको बता रहे हम। क्या नाम भाई आपका? विजय कुमार सिरसा। विजय कुमार सिरसा, कहाँ रहते आप? मैं पूना में रहता हूँ। पूना में? पूना से जलगांव जा रहे क्या? नहीं, खंडवा जा रहा हूँ। खंडवा, तो चलो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर देना भाई, कुछ जान को नुकसान नहीं हुआ। ये मोबाइल देखो, किसका मोबाइल किसका है ये देखना है अभी। अरे वही इस पे पासपोर्ट है भाई। किसका है? कौन? हाँ ये ड्राइवर से। ये किन्नर से। किन्नर का है क्या? किन्नर कहाँ गया? दवाखाने गया। पूना से? पूना से। कब बैठे थे? 8-10 बजे। 10 बजे। तुम जब हुआ आज तुम होशियार थे क्या? कैसा लगा सामने से? ऐसे लगा कि सामने थोड़ा हिला और धीरे से गिरा, रंग सब पकड़ गए, सब पलट गए थे नीचे। किसी को तो तुमको मार तो नहीं लगा ना? नहीं मार लगा। क्या नाम तुम्हारा? अच्छा, तो सभी लोग जो खैर खैरियत से जो अल्लाह का बहुत। मुख्तार भाई का क्या बोलना है? मुख्तार भाई से बात करेंगे। मुख्तार भाई क्या बोलना चाहिए इसके बारे में? रोड के बाहर रोड के हिसाब से एक्सीडेंट हो रहा है अजंता में। ये जो कंपनी है, कौन सी कंपनी, क्या जीवी हान लोग रोजना रोज एक ना एक दिन के आड़ में एक्सीडेंट हो रहा है इधर। कोई ट्रक वाले का एक्सीडेंट हो रहा, कोई मोटरसाइकिल वाला टायरों में आ जा रहा, और ये आज इसमें 27 लोग थे। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान हुआ, अल्लाह का इतना बड़ा एहसान हुआ कि इनको कुछ नहीं हुआ। और 3 बच्चे भी थे, 27 3 बच्चे, 30 लोग। 30 लोग थे उसमें, 30 लोग थे पूरे उसमें। और ये रोड वाले क्या कर रहे पता है कि अभी आगे देखो आप, आगे उधर खड्डे कर दे रहे, आगे चल के देखो आगे खड्डे कर रहे ने। वो इनका पहले काम है इनका इसको लेवल करने का पहले, फिर दूसरी तरफ खड्डा करने का। ये लोग पहले खड्डे कर रहे, अब ये रात में रात पूरा। नाम सुरेश बेलेकर, डिग्रस का माजी सरपंच है। डिग्रस के आप? हाँ। अच्छा, तो इसके रोड के बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि इतने दिनों से? अच्छा, ये भी एक बात बोलना है कि रात में तुम्हारा रात में 2 बजे 2:30 बजे जो ढाबों पे जितने लोग काम करते, 50 लोग जाते आते हैं डिग्रस के, बहुत तकलीफ है। अच्छा, तकलीफ के काम है, इस तरीके का एक्सीडेंट हो रहे हैं और रोड में गाड़ियां खरफेल हो रहा, बहुत ही मुश्किल का सामना। तो काम तो नहीं बना रहे, गड्ढे करके रख रहे पहले पहले। तो इसके रोड वाले क्या बोलना चाहेंगे? इसके रोड वाले के पास केस बनाओ तुम। अच्छा, वो तो कंपनी है आपके डिग्रस में, डिग्रस के एरिया में आती है ना कंपनी? हो कंपनी हमारे डिग्रस के नहीं, बालापुर के एरिया में आती है। बालापुर के एरिया में, बालापुर के एरिया में। तो हमने देखे माजी सरपंच जो डिग्रस के उनसे भी बात करें। और जो दो पेपर को दिया हमने, पिछले 1.5 साल से लॉकडाउन से काम नहीं हो रही। तो इसी तरीके से हम जो गाड़ी की बात करेंगे अभी तुमसे, जो इसी मुश्किल का सामना करना, जितनी भी वीडियो बनाए हुए हमने गाड़ी के एक एक करके हम अपलोड करेंगे अजंता न्यूज़ पे, आपको देखना चाहिए। जो आप समझ सकते हैं बात को। पवन ठाकुर, तुम भी डरा रहे ना? तुम किधर थे? 7 नंबर सीट पे। 7 नंबर सीट पे सोए हुए थे क्या? तुम्हारी शिफ्ट कब से कब तक थी? रात को 4 बजे गाड़ी दिया इसको। 4 बजे कहाँ से गाड़ी दी है तुमने? फुलमरी से गाड़ी दी उन्होंने गाड़ी। अच्छा, पहले पुराना ड्राइवर है कि नया था? पुराना ड्राइवर है। कब से? 2-3 महीने। 2-3 महीने। इस रूट का मालूम था उसको? सभी सौदे का है वो। सौदे का है। अच्छा, ये रूट में जो गड्ढे खुदे हुए उसका मालूम था क्या उसको ये बात? 6 महीने हो गए इधर चलते, 4 महीने हो गए इधर चलते। 4 महीने हो गए। तो सभी मालूम होंगी अजंता घाट के रोड के बारे में, और यहाँ से जितना रोड खराब है उसके बारे में सभी मालूम होंगी। तो ये फिर भी तुमको क्या लगता है क्या वजह से हुआ है? मैं सो गया था, मेरे कुछ मालूम नहीं क्या हो गया। तुमको मालूम नहीं, तुमको उठे बाद मालूम पड़ा मैं गिर गया नीचे? हाँ। अच्छा अच्छा, तुमको कहाँ लगा मार? ये पैर पे लगा तुम्हारा मार? अच्छा, आप पूरे रहते हैं?
काम जल्द से जल्द होना चाहिए। हमने पहले पार्ट में भी आपको बताया, हमारे मुख्तार भाई जो उनसे भी बात करी है, मुख्तार भाई से। मुख्तार भाई का क्या बोलना है, मुख्तार भाई से बात करी है। मुख्तार भाई क्या बोलना चाहिए इसके बारे में, रोड के बाहर? रोड के हिसाब से एक्सीडेंट हो रहा है अजंता में, और ये जो कंपनी है कौन सी कंपनी की, लोग रोजना रोज एक ना एक दिन के आड़ में एक्सीडेंट हो रहा है इधर। कोई ट्रक वाले का एक्सीडेंट हो रहा, कोई मोटरसाइकिल वाला टायरों में आ जा रहा, और ये आज इसमें 27 लोग थे। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान हुआ, अल्लाह का इतना बड़ा एहसान हुआ कि इनको कुछ नहीं हुआ। और तीन बच्चे भी थे, 27 तीन बच्चे, 30 लोग, 30 लोग थे उसमें, 30 लोग थे पूरे उसमें। और ये रोड वाले क्या कर रहे पता है कि अभी आगे देखो आप, आगे उधर खड्डे कर रहे, आगे चल के देखो आगे खड्डे कर रहे, खड्डे कर रहे हैं। वो इनका पहले काम है इनका, इसको लेवल करने का, पहले फिर दूसरी तरफ खड्डा कर ले। ये लोग पहले खड्डे कर रहे, अब ये रात में रात को रात भर ये उजागरे के रहते हैं लोगों, ये फास्ट गाड़ियाँ रहती है, टाइमिंग वाली गाड़ियाँ। अब इनको देखा नहीं, ये खड्डा में थोड़ा मारे इधर डसल का, डसल अंदर में पलटी मार दी। अच्छा हुआ तो सुलू हो गया, करने तो कोई इसकी जान का नुकसान नहीं हुआ, बहुत ऊपर वाले का अल्लाह ताला का बहुत एहसान करम हो गया कि किसी जान का नुकसान नहीं हुआ। और ये भी है, अभी जो हर टाइम जो बालापुर के करीब में जो हर टाइम ट्रैफिक जाम रहा है, एक घंटा दो घंटे, तो ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है अजंता की जनता को, और जितनी भी सफर कर रहे हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे तुम भाई? इनका अपना हमारा बोलने का मतलब ये लोगों ने काम करना चाहिए जल्दी जल्दी। और क्या हो रहा पता है क्या, लोग टाइमिंग पे रहते, लोगों को दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, लोगों के ट्रेन छूटी जा रहा है, ये लोगों की वजह तरीके से जो सफर में जितने भी सफर कर रहे हैं इसी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो अभी हाल ही में बालापुर के पास करीब में जो ट्रैफिक जाम था, जो हमारे अभी जो साफ भी नजर आ रहे हैं, आपसे बात करें क्या बोलना चाहिए सर? ट्रैफिक हो रहा जो रास्ते का काम नहीं है पूरा हुआ, गाड़ी का अपघात हो गया, तो इसी मुश्किलात अभी तुमने जो ट्रैफिक निकाल किया इस तरफ से, जो कितना टाइम था ट्रैफिक वहाँ? कम से कम आधा एक घंटे से जैमिंग था पूरा, आधा घंटा, एक घंटा, आधा घंटा। तो ये सभी रोड वाले गलती है जो खत्म हो रहा वहाँ से, और वहाँ से तो अजंता का घाट तक पूरा लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हर रोज एक्सीडेंट हो रहे, हर रोज एक्सीडेंट हो रहे, इसमें जो 27 जने थे और तीन बच्चे थे, ये मिला के 30 जने थे, तो अल्लाह का इतना करम हुआ ऊपर वाले का कि इसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो सर से भी बात कर हमने देखी है, और ये क्लियर समझ में आ रहा, देखिए ये ब्रेक आप सबने लास्ट तक वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की हालत, गाड़ी की हालत इस तरीके की ख़राब थी, तो आप लगा सकते हैं इसमें अंदाज क्या भाई, इसमें जानी नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, और सभी को हॉस्पिटल में सही सलामत पहुंचा है। और ये भी देखना पड़ेगा, ये भी वीडियो में हम बताने वाले पूरे हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल का भी बताने वाला है इसी वीडियो में, तो लास्ट तक वीडियो देखना चाहिए। आपने एक समाज सेवा है, लोगों की मदद करना है, हाल देख के समझ सकते हैं आप कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा वहाँ, ये रोड ख़राब होने की वजह से इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा एक गाड़ी। और देखिए इस तरफ घंटे हैं और काम उधर उस तरफ भी घंटे हो रहे हैं, जो रोड का काम कितने दिनों से हो रहा है, रोड का काम मैं खुद नहीं जान सकता इसको, तो मेरे को खुद पता ही नहीं है, आप बोल दिया इसको सभी ने, कितने साल हो गए इसको, 3-4 साल से काम चढ़ा हूँ का सामना करना। जितनी भी वीडियो बनाए हुए हमने गाड़ी के एक एक करके हम अपलोड करी हैं अजंता न्यूज पे, आपको देखना चाहिए, जो आप समझ सकते हैं बात को। तो ये देखिए किस तरीके से हालत है, और रोड की भी ये देखिए, रोड कितने नीचे है और वो रोड कितना ऊपर है, वो भी दिखाई दे रहा है आपको, सारे रोड से गड्ढे गड्ढे आपको नजर आएंगे। जब अजंता शहर में आप बालापुर के पास से एंट्री करेंगे तो आपने बहुत हिसाब से बहुत एहतियात से गाड़ी चलाना चाहिए, मेरी आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी गाड़ी चलाते हैं, जो स्लीपर कोच थी है। गाड़ी की हालत देख के समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इसमें, पर ऊपर वाले का इतना बड़ा एहसान करम हो गया, जो इसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ, ना किसी को भी नुकसान नहीं हुआ, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे, 6 महीने का बच्चा था एक उसमें, और दो देखिए सामने जो टायर भी देखिए, ये टायर का भी ऊपर देखिए, और ये देखिए सामने ये देखिए, तो ये सिर्फ ये रोड वाले की जो गलती है, ये रोड वाले की गलती है, और इसी के कारण जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है अजंता में जनता को, और जितनी भी सफ़र कर रहे जलगांव के, जितनी भी गाड़ी वाले लग्जरी वाले सभी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस तरीके से, ये देखिए। तो इतना ऊपर वाले का इतना कर्म हुआ इसमें कि किसी जान का नुकसान नहीं हुआ, इससे पहले वीडियो भी अपलोड करे हमने अजंता न्यूज़ पे, वो भी आप देख सकते हैं। एक समाज सेवा है, लोगों की मदद करना है, इसी तरीके से हर गाड़ी वाले से रिक्वेस्ट है भाई, अजंता शहर में जब एंट्री आप करेंगे
तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई, अजंता शहर का जो घाट है, घाट की हालत भी बहुत खराब है और वागुर नदी के ऊपर जो तीन जगह रोड खराब है, तो आपने बहुत हिसाब से बहुत एहतियात से गाड़ी चलाना चाहिए और ये रोड वाले की काम है, रोड वाले की जिम्मेदारी है क्या इसका जल्द से जल्द आपने काम करना चाहिए। निगुन ये तो नंतर माला लोग निकाले पाठी मगुन देखिए सभी जो दूसरे पार्ट में हम बता रहे चाबी दी और बहुत आराम से गिरी गाड़ी, बहुत अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान करम हुआ। ये देखिए तो इस तरीके से देखिए पूरी मुकम्मल मालूम बताइए दूसरे हम तुमको। कैमरा भी इसमें ये देखिए कैमरा है उसमें कैमरा भी है, कैमरे की लोकेशन हम अजंता पोर्ट, ये इंजन है सामने और ये देखिए दरवाजा है। तो बहुत अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान करम हुआ जो सभी की किसी को नुकसान नहीं हुआ, इतना बड़ा करम हुआ। ये देखिए सामने जो डरावर भाई वो भी डरावर भी है, उनसे बात करेंगे हम। हमारे मुख्तार भाई क्या नाम है गाड़ी का? ऐश्वी रानी गाड़ी का नाम है MS4। नहीं सामने से पास नहीं हो रही है। ये देखिए रोड चारों तरफ जिधर देखो उधर रोड खुदे हुआ है और ट्रैफिक जाम हो रहा है, घाट में जाम हो रहा है ट्रैफिक और बालापुर के पास ट्रैफिक जाम हो रहा है। इस तरीके के रोड खोद के डाल दे रहे हैं, बना रहे नहीं अभी, तो ये सोचना चाहिए उनको जल्द से जल्द रोड का काम करना चाहिए, इसकी वजह से बहुत नुकसान के काम हो रहे हैं। ये देखिए सामने जो लग्जरी आपको दिखाई दे रही है, दो दिन पहले ये पलटी हुई थी उसका एक वीडियो अपलोड करे मैं अजंता न्यूज़ पे, वो जाके देख सकते हैं आप। तो इसी देखिए सामने तो ये देखिए सभी लोग नज़र आ रहे हैं इस तरीके के, तो लास्ट तक वीडियो देखना चाहिए आपने। इसमें सरकारी हॉस्पिटल का जो जिनको एम्बुलेंस में बिठा के लेके गए उसका भी बताने वाले हैं, सरकारी हॉस्पिटल में कितने लोग जख्मी थे और कितने को मार लगा, थोड़ा थोड़ा मार लगा, मुक्का मार और बाकी कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ऊपर वाले का बहुत करम और एहसान हो गया। ये देखिए इतने बड़े हादसे में इसमें छोटे जो मासूम बच्चे भी थे, 6 महीने का बच्चा था, 5 साल का, 8 साल का बच्चा था। तो लास्ट तक ये आप रावर के है, ये रावर के हो वो, तो ये जितने भी लोग हैं यहाँ के रहने वाले हर किसी की मदद करते हैं। ये देखिए जो लग्जरी रोड के कारण, जो रोड के ख़राब होने के कारण, जो उस साइड में देखिए एक गाड़ी पास हो रही है और उस साइड में ज़रा सा बारिश के बारिश भी हो रही है और उसी के कारण जो रोड वाले की गलती की वजह से, ये देखिए सामने जो 8-8 महीने 10-10 महीने जो एक एक साल 2-2 साल लगा दे रहे, ये देखिए सामने दिखाई दे रहा आपको। जो स्लीपर कोच गाड़ी है ये आपको नजर आ रही है जो सामने तो की गाड़ी की, ये देखिए और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान करम हुआ कि किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ, बहुत बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान करम हुआ। स्लीपर कोच है और इसमें देखिए जान का और किसी का नुकसान नहीं हुआ, बस थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। आप हालत देख सकते हैं गाड़ी की किस तरीके से ख़राब है, गाड़ी की भी हालत देख सकते हैं आप। तो छोटे बच्चे भी थे इसमें, किसी को थोड़ा बहुत लगा, बस मार लगा है और जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान करम हुआ, अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान करम करा, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे इसमें, अल्लाह का शुक्र है जो बच गए सब, सभी को जो 30 लोग थे इसमें छोटे बच्चे भी थे, तो सभी को खुशी नहीं हुआ। थोड़े ऊपर से अरे ये देखिए हाइट कितनी, तो इसको इतने स्लो काम हो रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ, इस तरीके की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। गोल्टे गए बालापुर पे भी इस तरीके के जो गड्ढे वो वहीं जो 3-3, 4-4 घंटे ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो ये देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है ये रोड बना जब से ऐसी प्रॉब्लम जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है अजंता शहर के घाट में, और जितने भी कॉन्ट्रैक्टदार है इस तरीके की गलती कर रहे हो।
आप देख सकते हैं कितने नीचे तक, जो रोड से नीचे कितना है ये भी आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, हर ड्राइवर से रिक्वेस्ट है भाई, बहुत हिसाब से बहुत एहतियात से गाड़ी चलाना चाहिए, क्योंकि रोड वाले की जितनी भी कॉन्ट्रैक्टदार है उनकी पूरी औरंगाबाद से लेके तो अजंता घाट तक पूरी लापरवाही लापरवाही है। जो अजंता घाट में भी देखिए किस तरीके से जो साइड में जो पारपेट के गड्ढे हैं उसको जो खोद के चार चार महीने हो गए। ये अजंता गोल्डटेक का ने एक एक्सीडेंट हुआ है, जो लग्जरी थी जो रावेर भुसावल जा रही थी गाड़ी, ये सुबह 5:30 बजे के दरमियान ये दारू पी के ट्रेवल्स कर रहा था ये गाड़ी वाला। तो ये अच्छा हो गया कि भाई कुछ इसे हानि नहीं हुई और कोई नुकसान नहीं हुआ। ये देखो ये काका को लगा है मार, भगवान की कृपा से कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, रात में सुबह और ये पर सब पैसेंजर बैठे हैं, सब बेहाल है, किसी का वो नहीं हुआ है, नुकसान जानी नुकसान नहीं हुआ है, सब परेशान, मार लगा है किसी को, गुप्त मार लगा है अंदर, किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ है। जो हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं हमारे शिंदे साहब जो फरदापुर के PSI है, और मोरे साहब जो API साहब हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ। इसी तरीके से सभी ने जो फरदापुर से आके उन्होंने यहाँ मदद करे, आप देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से मदद कर रहे हो। जो शिंदे साहब अभी देखिए सामने, तो इन्हीं को हॉस्पिटल में लिया के वो भी बताने वाले, लास्ट तक देखना चाहिए। जो अंकल को मार लगा है पेट में, गुपत मार लगा है, उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप लोगों ने सबने देखना चाहिए, ये देखिए शिंदे साहब हमारे जो बच्चे को ले रहे हैं, और मोरे साहब भी यहाँ मौजूद है, सभी जो API फरदापुर पुलिस स्टेशन के। और इसी तरीके से लास्ट तक वीडियो देखना चाहिए आपने, जो हॉस्पिटल में जाके भी बताने वाले हम किसको कितना मार लगा, कितना नहीं, तो ये लास्ट तक देखना चाहिए आपने, आपसे रिक्वेस्ट है। तो माशाल्लाह सभी को सही सलामत हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। ये सामने एम्बुलेंस खड़ी है, शिंदे साहब खड़े हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, हमारे API साहब फरदापुर पुलिस स्टेशन के, सभी लोग यहाँ अजंता के जितने भी लोग हैं, अजंता के ईटा वाले सभी लोग मदद करते हैं, अजंता के जितने भी लोग हैं, अजंता में रहने वाले, एक्सीडेंट हुआ या कोई भी हादसा हुआ तो उसमें मदद करते हैं। शिंदे साहब नज़र आ रहे हैं आपको फरदापुर पुलिस स्टेशन के, और API साहब भी वहाँ, अमूल मोरे साहब जो वहाँ सामने दिखा दे रहे हैं एम्बुलेंस के पास। तो इसी तरीके से एक सेफ्टी बना के अच्छी तरीके से उनको हॉस्पिटल में, सभी को जिनको मार लगा है, मुक्का मार लगे हुआ है, उनको हॉस्पिटल में ले जाके हम आपको हॉस्पिटल का वीडियो भी बताएंगे, तो वो लास्ट तक देखना चाहिए आपने। इसी जो हमारे डॉक्टर साहब भी खड़े हैं वहाँ, डॉक्टर साहब नज़र आ रहे हैं, पठान साहब माशाल्लाह। तो इसी तरीके से अच्छा वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए, जो एक समाज सेवा है, लोगों की मदद करना है, इस तरीके के बहुत अच्छा लगता है किसी की मदद करना। जो हमारे सभी लोग यहाँ मौजूद है आपको नज़र आ रहे हैं, जितने भी अजंता के जितने भी लोग हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो इसी तरीके से लास्ट तक वीडियो देखना चाहिए आपने। आपसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है भाई, क्या अजंता हॉस्पिटल में जब लेके जाएंगे हम तो वो भी बताने वाले हैं आपको। ये सामने दिखाई दे रहे जितने भी हैं आपको, सभी लोग हमारे, ये देखिए एम्बुलेंस आप जाने के जाना है तो अजंता शहर के जो हॉस्पिटल है सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। तो ये देखिए सरकारी हॉस्पिटल में आ गए हम, हमारे अजंता पुलिस स्टेशन की गाड़ी भी है यहाँ मौजूद, और फरदापुर पुलिस स्टेशन की गाड़ी भी है यहाँ, सभी लोग मौजूद है यहाँ। हम कितना मार लगा और कितना नहीं ये आप यहाँ सही बात मालूम पड़ेंगे आपको, तो हम पूरी जानकारी देंगे आपको। ये देखिए हमारे राजिक भाई जो एक बहुत अच्छे काम करते हैं, राजिक भाई भी यहाँ मौजूद है। सभी आपको जितने भी पेशेंट हैं हमको बताने की कोशिश करनी है कितने पेशेंट, ये भी देख रहे आप जो आपको सामने जो हॉस्पिटल अजंता शहर का जो सरकारी हॉस्पिटल है हम मौजूद हैं वहाँ। ये देखिए सभी लोग, ये जितने भी है आपको सबको थोड़ा थोड़ा मार लगा है, मुक्का मार लगा, भाई का जो है ना हाथ निकल गया है, तो हाथ वाले को हाथ बिठाने के लिए भी बुलाया हमने, तो भी आ जाएंगे। सिर्फ हाथ निकला है उसका, भाई का अंकल को जो थोड़ा मार लगा है, तो सभी को गुप्ती मार लगे हुआ है। अब ये छोटे जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो अंकल भी नज़र आ रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहब भी नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरीके से पूरी मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में हम देने वाले हैं। 21 मिनट का वीडियो है, आपने लास्ट तक देखना है। दो बच्चे भी है, तो माशाल्लाह किसी को नुकसान नहीं हुआ, बस जो हमारे थोड़ा चचा ने जो बैठा है हाथ, तो हमारे यूसुफ चचा ने जो हाथ बिठाए। भाई कैसा लग रहा है भाई? एकदम बढ़िया लग रहा है। अभी हो गया ना क्लियर? अच्छा, तो देखो क्लियर हो गया।
जो इस तरीके से हाथ बिठाते अजंता। इतना बड़ा हादसा हुआ उसमें सिर्फ इसका भाई का हाथ निकला, ना किसी का पैर टूटा ना कुछ हुआ, सिर्फ मुक्का मार लगे हुआ है। तो इसी तरीके से अपडेट देते रहेंगे अजंता न्यूज़ पे। अजंता न्यूज़ को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। और जिस किसी का भी हाथ निकला तो यूसुफ चचा है अजंता शहर में, और बहुत से लोग हैं अजंता शहर में जो हाथ बिठाते हैं पैर बिठाते हैं, तो सभी लोग